मीर को भावना हवा ठीक है वायु ये अपना एक रोड में एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं ये वाइट ये में बना लिया है ये सदा सागर या समुद्र है ठीक है जी ये पॉइंट ए या ये पॉइंट बी धरती सो समुद्र से धरती और ये सदा को हवा ये सदा को की है हवा सो किसी ई हो समुद्र प्यारे बच्चे हो ये देखो कि जो समुद्र के उत्ते वायु का वात हो गए और धरती से वायु का घट हो गए उदो समुद्र को हवा वात वायु का को घट वायु का धरती सानू जी पौन जाती है उन्होंने जल समीर कहा जाता वा की कहा जाता जल समीर समीर मीन और रात को फिर पॉइंट हो जाता रात को धरती जल्दी ठंडी हो जाती है धरती से वायु का बढ़ जाता वा समुद्र जरा है हवा उसे वायु का घट जाता वा इस करके रात नहीं होगा हवा कितन जा रही है समुद्र वालों ये किया थलमीन धरती जमीन धरती को हवा के चक्रिया समुद्र वाल सो ये है थलमीन सो हूँ धरती से वायु का वध हो गया सी समुद्र से घट सी तो धरती को समुद्र वालों वायु का उच्चारण करके इन आपां थलमीन कहवांगे और बच्चे हो एक बार मैं दसांगा कि जो समुद्र को हवा चलती है अपने नाल पानी ਦੇ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਰਮ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਲ ਸਮੀਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਜਲ ਸਮੀਰ ਚਲੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਜਲ ਸਮੀਰ ਆ